महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में जो चर्चा कर रहे थे व्यवहारवाद को लेकर के, अपन ने जो अपना अध्ययन जो था वो प्रीवियस क्लास में प्रारंभ किया था बीए पार्ट प्रथम वर्ष के, और आज अपन व्यवहारवाद से जो संबंधित जो डेविड स्टर्न की जो मूल मान्यताएं अर्थात जिनको राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं मानी जाती हैं, आज का जो अपना लेक्चर जो रहेगा वो इसी पे रहेगा कि डेविड स्टर्न ने जो व्यवहारवाद की जो बौद्धिक मान्यताएं बताई थी, आधार उसको विशेषता के नाम से भी जाना जाता है व्यवहारवाद की, या उनको बौद्धिक आधार सेवाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का अपना जो लेक्चर जो रहेगा बेसिकली अपन व्यवहारवाद की उन मूल मान्यताओं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधार सेवाएं अर्थात जो मूल मान्यताएं हैं, जो व्यवहारवाद की विशेषताएं कहलाती हैं, वो उन्होंने क्या क्या बताई। पॉलिटिकल साइंस व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं, पहले मूल मान्यता भी कहा जाता है, बौद्धिक आधार शिलाएं भी कहा जाता है, और व्यवहारवाद की विशेषताओं के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्जाम में सवाल किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का वर्णन कीजिए, या व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं उनका वर्णन कीजिए डेविड स्टर्न के अनुसार। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद की जो मूल मान्यता है वही बौद्धिक आधारशिला है, वही उन्हीं विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है कि जो अपन ने व्यवहारवाद का अध्ययन किया है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको व्यवहारवाद का जो अध्ययन अपने प्रारंभ किया था, और यहां सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये है कि व्यवहारवाद जो है वो किस चीज का अध्ययन करता है, व्यवहारवाद है क्या। यानी अपन जो किसी भी प्रकरण को या किसी भी टॉपिक को जब अपन शुरू करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हमें उसका जो एक जो सामान्य जो अर्थ है वो अपने ध्यान में होना चाहिए कि वो किस चीज को लेकर के अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहा है, ताकि अपन उस चीज को समझ सके पहले कि ये बेसिकली इस चीज पे बल देता है और इस प्रकरण में इस टॉपिक में इन चीजों का अध्ययन है जो किया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली अपने अध्ययन में उन चीजों को शामिल करता है। जब अपन प्रीवियस क्लास में व्यवहारवाद क्या है, मैंने आपको बताया भी था कि व्यवहारवाद क्या है, यह आपके सामने एक अधूरा सवाल था, आपके मस्तिष्क में यह सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि व्यवहारवाद क्या है। अब आप जब ये सवाल आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो आप खुद उसकी जो आंसर है उसका जो उत्तर है उसकी स्वयं तलाश करने की कोशिश करें, जो आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, आप खुद इस चीज की तलाश करें कि व्यवहारवाद क्या है, अपन अपने शब्दों में व्यवहारवाद को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि व्यवहारवाद जो प्रारंभ में प्रत्यक्षवाद के रूप में इसका जो उदय था वो हुआ था, और शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा उसको व्यवहारवाद नाम दिया गया था। अब व्यवहारवाद क्या है, ये एक अध्ययन की पद्धति है। क्या है? अध्ययन की पद्धति है। अध्ययन की पद्धति के अलावा ये एक उपागम है, या ये एक अध्ययन का ढांचा प्रस्तुत करता है। यानी कि यहां अपन व्यवहारवाद को किस रूप में देखते हैं, अध्ययन की पद्धति के रूप में देखते हैं, अध्ययन का एक उपागम है, या अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका मतलब यह राजनीति विज्ञान की स्वयं कोई परिभाषा नहीं देता है, अर्थात यह राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन है उस पे बल देता है, अर्थात यह एक ऐसा आंदोलन है, राजनीति विज्ञान में एक ऐसा आंदोलन है जो परंपरागत जो अध्ययन था उसके प्रति असंतोष जो उत्पन्न हुआ, उस असंतोष के परिणाम स्वरूप अध्ययन के एक नए तरीके की जो तलाश थी, जो खोज थी, वो प्रारंभ हुई कि राजनीति विज्ञान में हमें बेसिकली किन चीजों का अध्ययन करना चाहिए। जब अपन प्रारंभ में परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं
और परंपरा के दृष्टिकोण में अध्ययन जो था वो संस्थाएं जो थी उनके अध्ययन पे बल दिया गया, संस्थागत जो अध्ययन था उन पे बल दिया गया, जबकि व्यवहारवाद जो है जो एक आधुनिक दृष्टिकोण का एक उपागम है वो किस चीज पे बल देता है, वो कहता है कि हमें संस्थाओं का नहीं, उन संस्थाओं के भीतर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? उन संस्थाओं, पर्टिकुलर जो संस्थाएं है राजनीति विज्ञान में जिनका अपन अध्ययन करते हैं, जो परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर उनका अध्ययन किया जाता था, अपने को उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति जो है पर्टिकुलर अपने को उनका अध्ययन करना है, उसके अध्ययन पे बल देना है। तो यहां इस चीज में संस्थाओं से हटकर के व्यक्ति के व्यवहार क्या है तो ये एक आंदोलन हो जाएगा। ये क्या है? एक आंदोलन है। व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में सामने आता है, जो व्यक्ति के, जो व्यक्ति है, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पे बल देता है। किसके अध्ययन पे बल देता है? व्यवहार। व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति के उस व्यवहार के अध्ययन पे बल देता है। अब यहां जो व्यक्ति ने जो व्यवहार किया है, विशेषकर इस व्यवहार का सत्यापन किया जा सकता है, यानी सत्यापन हो सकता है, मापन हो सकता है और पर्यवेक्षण किया जा सकता है। इन चीजों पे बल देता है व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार जो है, राजनीतिक व्यवहार यानी कि व्यक्ति के विभिन्न पक्ष होते हैं, भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, राजनीति विज्ञान में बेसिकली व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो यहां व्यक्ति का जो राजनीतिक पक्ष है उसका अध्ययन यानी उस व्यवहार का अध्ययन करना, और व्यवहार भी ऐसा, विशेषकर व्यवहार भी ऐसा जिस व्यवहार का सत्यापन किया जा सकता है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसकी जांच की जा सकती है, उसको मापा जा सकता है, उसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, ऐसे अध्ययन पे व्यवहारवाद क्या है बल देता है। फिर अपन ने देखा था विकास क्रम को लेकर के, व्यवहारवाद का जो विकास क्रम था जो 1897 में ग्रामवाल्स जो थे उनकी जो पुस्तक थी वहां से वो प्रारंभ होता है, जो वहां उन्होंने मानव की प्रकृति, जो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो था राजनीति में, मानव का जो व्यवहार जो था उसकी जो मानव की जो प्रकृति थी, बेसिकली वो इस चीज पे बल देते हैं। और यहां कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी व्यवहारवाद का उद्भव जो होता है वो अपन अध्ययन करते हैं, तो द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर था उसके बाद राजनीति विज्ञान में उसका उद्भव माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें जो थी, अगर इसके विकास क्रम को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही व्यवहारवाद की जो जड़ें जो थी वो दिखाई देने लगती है। 1897 में जो ग्रामवाल्स की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक जो द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जहां उन्होंने मानव की जो व्यवहार की प्रकृति है, मानव जो प्रकृति है उसके अध्ययन पर उन्होंने बल दिया, वहीं से मानव के व्यवहार का अध्ययन जो है वो प्रारंभ होता है। फिर 1908 में आर्थर बेंटले जो आए थे, उनकी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट की पुस्तक थी, उनका जो अध्ययन था। तो कहने का तात्पर्य कि यहां से इसकी जो श्रृंखला है वो क्या है, प्रारंभ होती है। आज अपन व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला है, और यहां मैंने बताया था कि व्यवहारवाद का जो विचार जो था ये विचार चार्ल्स मेरियम के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ, इसलिए चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धिक पिता, यानी मस्तिष्क में विचार जो था व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार का, ये विचार चार्ल्स मेरियम, और चार्ल्स मेरियम की रचना थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो रचना थी, उसमें उन्होंने राजनीति, व्यक्ति की जो मानव प्रकृति है उसका जो व्यवहार है, बेसिकली उन चीजों पे उन्होंने क्या दिया था, बल दिया था। तो यहां से इसको पिता के रूप में देखा जाता है। और व्यवहारवाद का जो वास्तविक जनक की बात की जाती है, तो वास्तविक जनक का जो व्यवहारवाद का नाम आता है यानी जन्मदाता, इसका जो जन्मदाता है वो नाम आता है डेविड ईस्टर का। यानी कि कोई भी उपागम है, कोई भी पद्धति है, या कोई भी अध्ययन का जो ढांचा है वो पर्टिकुलर किन शर्तों पे कार्य करेगा,
ये जो शर्तें हैं या उनकी जो मूल मान्यता है जिसपे रह करके वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहां इसकी मूल मान्यताएं जो थी वो डेविड ईस्टन ने बताई थी। किसने बताई थी? डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन का एक लेख था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद का करंट जो था, यानी वर्तमान के ऊपर उसकी बात करते हैं, उसका जो ताजा अर्थ दिया था वो लेख जो छपा था उस लेख में यहां डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की जो मूल आठ मान्यताएं बताई थी उसी के आधार पे उन्हें व्यवहारवाद का वास्तविक पिता के रूप में जाना जाता है। तो अब अपन आगे देखते हैं कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो आठ मान्यताएं बताई थी वो कौन कौन सी। इसकी जो आठ मान्यताएं हैं वो बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें आप साथ साथ इसको लिखते रहें और अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है नियमन। नियमन। दूसरा है सत्यापन। नियमन, सत्यापन। और तीसरा है तकनीक का प्रयोग। तकनीक का प्रयोग। चौथा है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण। और पांचवा है मूल्य निरपेक्ष। मूल्य निरपेक्ष। छठा है व्यवस्था बद्धीकरण। छठा है व्यवस्था बद्धीकरण। और सातवां है शुद्ध विज्ञान। और आठवां है एकीकरण। एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो आठ मूल मान्यताएं बताई थी जिन्हें बौद्धिक आधारशिला भी कहा जाता है, अर्थात व्यवहारवाद की विशेषताओं के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां डेविड ईस्टन ने जो आठ मूल मान्यताएं बताई थी वो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। अपन एक एक व्यवस्था के बारे में उनका जो नियमन की जो मूल मान्यताएं जो थी उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला है नियमन, यानी कि नियमन का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार का नियमन किया जा सकता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार से देखना कि उसके व्यवहार में जो एक रूपता दिखाई देती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार का नियमन किया जा सकता है, नियमबद्ध किया जा सकता है, चरणबद्ध तरीके से उनको रखा जा सकता है। यानी कि व्यक्ति, मान लीजिए जब व्यक्ति, अपन किसी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात करें, जैसे लोकतंत्र है उसमें एक चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें अगर हम निर्वाचनी प्रक्रिया में व्यक्ति के मत का व्यवहार का अध्ययन करें, व्यक्ति किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग जो है वो करता है, तो यहाँ व्यक्ति जो है किसी राजनेता के संदर्भ में या किसी नेता के संदर्भ में जब वोट डालता है, अपन उस तरीके से भी देख सकते हैं, तो यहाँ वो उस व्यक्ति की ऐसी कोई विचार श्रृंखला जिससे वो प्रभावित होता है और वो एक निश्चित शैली के आधार पे अपने मत का जो प्रयोग करता है, तो ऐसा जो उसका व्यवहार है उस व्यवहार का क्या है, नियमन किया जा सकता है। तो पहला है नियमन, यानी व्यक्ति के व्यवहार का नियमन करना, व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है उस व्यवहार को नियम के तौर तरीकों के आधार पर उनको क्या करा है, चरणबद्ध तरीके से रखा जा सकता है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार जो है वो क्यों करता है, किन परिस्थितियों में करता है, तो उसका होगा नियमन। दूसरा होता है सत्यापन, व्यक्ति जो व्यवहार करता है उस व्यवहार का सत्यापन करना, यानी अपन गणितीय विधि के तौर पे इसको देख सकते हैं कि जब अपन ये देखेंगे व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में
जो व्यवहार है उसका एक जैसा है, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का जो अंतर है वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे गणित सूत्र के तौर पर प्रयोग करें तो मान लीजिए दो और दो बराबर कितने हैं, चार है, या अपन ये देखें कि पांच पांच बराबर दस है, तो ये क्या है, ये एक सत्य जो है उसके आधार पे ये हमेशा ऐसा ही रहता है। तो व्यक्ति जो होता है वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जब इसी प्रकार का व्यवहार करता है जिसमें सत्यापन किया जा सकता है, उसके उस व्यवहार को देखा जा सकता है कि कैसे इस व्यवहार का प्रयोग करता है। तीसरा आता है तकनीक का प्रयोग। व्यवहारवादी जो है वो अपने अध्ययन अपने शोध जो है उस शोध में किस चीज में बल देते हैं, तकनीक पर विशेष बल देते हैं। यानी कि भले ही उनका जो अध्ययन है वो गलत हो जाए लेकिन अपने को तकनीक को नहीं छोड़ना, यानी कि जो तथ्य है वो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। तकनीक एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आंकड़े जो है वो एकत्रित किए जाते हैं, वो आंकड़े जो होते हैं हमेशा सत्य की कसौटी पे खरे उतरते हैं। तो यहां वो तकनीक के प्रयोग की बात जो है वो व्यवहारवादियों के संदर्भ में देखी जाती है, अर्थात व्यवहारवादी मूल मान्यता है वो तकनीक पर विशेष बल देते हैं, यानी तकनीक को नहीं छोड़ना। सार भले ही छूट जाए कि अपन किसी भी घटना के संदर्भ में या किसी संस्था के संदर्भ में जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में हमें तकनीक का सहारा लेना है, हमें उस तकनीक को नहीं छोड़ना। जिस तकनीक के सहारे अपन अपना अध्ययन कर रहे हैं, भले उस तकनीक के माध्यम से अपन ने जिस संस्था का जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया है वो गलत हो जाए, लेकिन तकनीक जो है उसके प्रयोग पर अपने को बेसिक बल देना है। तीसरा है परिमाणीकरण, यानी कि उसको परिमाणीकरण मापने की जो श्रृंखला जो होती है उसके आधार पे उसके व्यवहार का परिमाणीकरण किया जा सकता है कि हाँ ये जो है एक सत्य व्यवहार है, और उसी के आधार को अपन इसमें देख सकते हैं कि हमेशा व्यक्ति जो होता है वो अपने कार्यशैली अपने मतदान के प्रक्रिया के संदर्भ में उसको अगर देखें तो व्यक्ति होता है उसको मापा जा सकता है, मापन किया जा सकता है। प्रमाणीकरण के आधार का मतलब होता है कि मापन की प्रक्रिया जो होती है, व्यक्ति है जो अपना स्टैंड होता है वो जातिगत के आधार पे या किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देता है, चाहे चुनाव आज हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, वो हमेशा किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी जाति विशेष के लिए वो क्या है अपने मत का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार या तो किसी राजनीतिक दल के साथ या अपनी जातिगत जो चीजें हैं उनके साथ उसका व्यवहार जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको मापा जा सकता है। तो ये हो गया परिमाणीकरण। फिर एक आता है मूल्य निरपेक्ष। जब आपने परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया था तो मैंने बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण में बेसिकली किस चीज में बल दिया गया था, मूल्यों पर बल दिया गया था, यानी व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं, किसी संस्था के अपने मूल्य होते हैं वो जिस पे आधार पे कार्य करती है। तो यहां व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें जब सिद्धांतों का निर्माण करना है तो हमें इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करना है जहां मूल्य निरपेक्ष होकर के अपन अपना अध्ययन करते हैं। अगर मूल्य अपने साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से अपना जो शोध है अपना जो अध्ययन है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी कि व्यक्ति किसी घटना के संदर्भ में अध्ययन कर रहा है और मान लीजिए उसके सामने कोई उसका परिचित है जिसके बारे में वो स्टडी कर रहा है, उसकी कोई जांच पड़ताल कर रहा है, तो यहां परिचित के साथ उसका एक जो संबंध है, रक्त समूह का जो एक संबंध है उसके साथ, निश्चित तौर से वो मूल्य क्या है उसके अध्ययन को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। यहां कहता है कि हमें उस मूल्य से पीछे हटना है, कानूनी प्रक्रिया जो भी है उस प्रक्रिया के अनुसार हमें अध्ययन करना है। अगर व्यक्ति ने किसी प्रकार की गलती की है तो उस गलती की जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए। यह नहीं है कि मूल्य हमें प्रभावित करते हैं, हम जांच को प्रभावित करते हैं या अपने मूल्य सामने रख करके हम जांच के अंदर कोई हेर फेर करते हैं। तो यहां व्यवहारवादी जो है वो कहते हैं कि हमें निश्चित सिद्धांतों की श्रृंखला अगर निर्माण करना है तो हमें अपने अध्ययन में क्या है, हमें मूल्य निरपेक्ष होकर के अध्ययन करना होगा। यानी जिस घटना के संदर्भ में जिस व्यक्ति के व्यवहार का अपना अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं है। जब अपना कोई संबंध नहीं होगा उसके साथ तब हम एक निश्चित स्टैंड पे रह करके उसके व्यवहार का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं और वहां हम एक शुद्ध सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यवस्था बद्धीकरण, यानी जो अध्ययन है अध्ययन अपना स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला के रूप में होना चाहिए,
प्रारंभ में, जैसे यहां से मान लीजिए अपने अपना देर प्रारंभ किया है, पहले हमने किसी प्रकार की घटना के बारे में सुना, फिर हम उस स्थान पे गए, फिर वहां से विचार विमर्श किया, फिर अपने अड़ोस पड़ोस से अपने विचार विमर्श किया, उसके बाद अपने को निष्कर्ष निकाला। तो इस प्रकार एक चरणबद्ध तरीके से अपने को अध्ययन जो है वो करना है। अध्ययन शोध के लिए हर घटना के संदर्भ में जो अध्ययन अपने किया है उसको चरणबद्ध तरीके से क्या करना है, सजाना है, उसको सेट करना है। तो यह व्यवस्था बद्धीकरण। और एक आता है शुद्ध विज्ञान, यहां की प्राकृतिक विज्ञान की भांति तो अपन राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं बना सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मानव का जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी व्यक्ति जो है एक जैसा व्यवहार करता है, तो हम प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करके राजनीति विज्ञान को भी एक शुद्ध विज्ञान के रूप में देख सकते हैं, शुद्ध विज्ञान के रूप में उसको रख सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष उसको रख सकते हैं। इस चीज पर भी व्यवहारवादियों ने विशेष बल दिया था। इसके बाद अंतिम आता है वो है एकीकरण, यानी कि राजनीति विज्ञान जो है इसको अन्य जो समाज विज्ञान है उनके साथ भी एक संबंध स्थापित करना है। ये राजनीति विज्ञान के अंदर जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं मानव का व्यवहार जो है उनको समाज की अन्य संस्थाएं भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो वहां प्रभावित करने वाले उन कारकों को भी अपने क्या करना है, तलाश करना है, उस अध्ययन में अपने को एकीकरण लेकर के आना है। तो इस प्रकार डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद की जो आठ भौतिक आधारशिलाएं बताई है उनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। एग्जाम में ये मूल मान्यता के रूप में भी पूछा जा सकता है, बौद्धिक आधारशिलाओं के रूप में पूछा जा सकता है, और व्यवहारवाद की विशेषताओं के रूप में भी देखा जा सकता है। और इन्हीं विशेषताओं के ही मूल मान्यताओं के कारण डेविड ईस्टर को व्यवहारवाद का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास के माध्यम से आप व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं या उनकी जो मूल मान्यताएं उनकी विशेषताएं आप अच्छे तरीके से समझ पाए। अगले क्लास में अपन प्रारंभ करेंगे नया टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद को लेकर के। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।